आलू में दम है। तुम्हें चॉकलेट पसंद है? हाँ पसंद है। वाव क्या बात है, तुम कितने कूल हो, तुम्हारे लाखों दोस्त होंगे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं मशहूर हूँ यार, मेरे पास किसी से मिलने का वक्त ही नहीं है। क्या दोस्तों से मिलना जुलना तो पुराने जमाने में होता था यार, अब कहाँ होता है। ठीक है तो बताओ आज तुमने क्या करने के बारे में सोचा है। नहीं इसे भूल जाओ, आज तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, देख लेना। कितने सारे केक्स, मुझे ये चाहिए और ये भी और ये भी। तुम कौन सा वाला लोगे? तो क्या तुम्हें ये पसंद है? वॉफल्स खिलाने के लिए थैंक्स। I'm sorry, मैं तुम्हारे लिए कुछ मजेदार नहीं ढूंढ पाई। तुम्हें अब तक तो समझ जाना चाहिए था, मैं तुमसे हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। आज बैठ तुम्हें एक ना एक दिन ढूंढ ही लेगा। गुड लक। यहाँ भी लाइट चली गई है। I'm sorry, मेरे हेयर ड्रायर ने फ्यूज उड़ा दिया। hey, लाइट आ गई। फ्रिज ऑन हुआ क्या? मुझे प्लीज माफ कर दो। क्या मेरे रूम में सोना चाहते हो? मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है, गर्मी नहीं लगेगी। आज रात मैं फ्रिज में सो जाता हूँ। चले जाओ, तुम दोनों वही होना जो मेरे शेफ को परेशान कर रहे थे। प्लीज सर, आपका शेफ हमारा भाई है। हम उससे अपनी गलती की माफी मांगने आए हैं। तुमने उसकी कदर नहीं की, पर तुम्हारा भाई बहुत अच्छा शेफ है, वो एक बेहतर जगह काम करने गया है। मुझे तो लगता है कि अब तक वो एयरपोर्ट पहुँच भी गया होगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। ये एक कंस्ट्रक्शन एरिया है और हमें इस जगह पर नया सेल फोन टावर लगाने का ऑर्डर दिया गया है। पर हम यहाँ रहते हैं, अब आप उसे कहीं और लगा दीजिए। सॉरी बॉस, मैंने गलती से एक और होल बना दिया। कोई बात नहीं पॉल, गलतियाँ हम सब से होती हैं। देखो हमसे कहा गया था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। सर हमें बताइए, क्या ये सच है कि इन प्यारे प्यारे भालुओं को यहाँ पर इस गुफा में रहने का हक है? एक राक्षस होना कैसा लगता है? हमें कंस्ट्रक्शन का काम रोकना होगा। सारा काम रोक दो, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अब मुझे पैसे तो मिलेंगे ना, मैंने बहुत सारे होल्स बनाए हैं। इन भालुओं ने अपनी गुफा को बचा लिया है। प्लीज क्या हम पैसे देकर बैग्स नहीं खरीद सकते? हाँ क्यों नहीं, खरीद सकते हो। यहाँ पर बैग्स टंगे हैं अलग अलग कलर्स और स्टाइल। हाँ, हमें तीन चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये लिमिटेड वाइल्ड लाइफ एडिशन के हैं। इन्हें बेच कर थोड़े पैसे बीवर्स को डैम्स बनाने के लिए दिए जाते हैं। I'm sorry, मैं आपको आपके पैसे वापस कर देता हूँ, पर इन लोगों को सुधारना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप तो मैनेजर हैं, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आप हैं। एक समय था जब लोगों को फिल्में बहुत खास लगती थी, जब लोग थिएटर्स में फिल्म देखने के लिए आते थे। तुम पहुँच गए। चार्ली तुम्हारी पार्टी पेड़ पर क्यों रखी है? क्योंकि क्रिसमस पार्टी क्रिसमस ट्री के बिना होती नहीं है, सबको बताया। ये तो इससे कौन बहस करे। बहस क्यों करनी, मैं क्रिसमस बिल्कुल सही ढंग से मना रहा हूँ। क्रिसमस कार्ड भी है, स्टॉकिंग्स भी लटका है, रेंडियर भी है और खाने के लिए क्रिसमस की स्पेशल डिशेस भी हैं। क्या नहीं, यही सही टोट लाइफ है मिस्टर। हम पर्यावरण के बारे में बाकियों से ज्यादा फिक्र करते हैं, उल्टा तुम दिल से टोट लाइफ नहीं जी रहे हो मेरे भाई। टोट लाइफ। चलो यहाँ से चलते हैं। मत करो क्लोई, अभी हमें तुम्हारा ब्लड शुगर बढ़ाना होगा। और हाँ एक सीक्रेट बताऊँ, मुझे ये वेंडिंग मशीन चलाना आता है, पहले मैं अपना सामान यहीं से लिया करता था। अच्छा तो इसको और इसको, इसको सबको दबा दिया और अब एक किक मारी। लो शुगर तुम्हारी बॉडी में जाएगा तो तुम्हारा फोकस ठीक हो जाएगा। अच्छा थोड़ी सी खा लेती हूँ। तुमने कल वाला एपिसोड देखा, कैसा लगा तुम्हें? जबरदस्त। क्या तुम्हें लगता है किसको से लास्ट में सच बता देगा? बताना ही पड़ेगा, सीजन फिनाले आ रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है और आइस बेयर का मूड खराब हो रहा है। तुम कल मेरे घर आना, हम साथ में मिलकर देखेंगे। अरे पक्का पक्का, पर वो तो बहुत ही लेट खत्म होता है ना, तो मैं घर कैसे वापस आऊंगा? तुम वहीं पर रुक जाना ना, हम रात भर जाकर उसी शो की बातें करेंगे या फिर पूरा सीजन दोबारा देख लेंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मिल लो जल्दी। ओके तो टॉम बाय, कल मिलते हैं। ओके कल मिलेंगे पीपी। तुम बिना नाम क्यों बदल रहे हो मेरा? अच्छा सुनो पैंडा, एक एक गेम हो जाए ना, मैं तो सोने जा रहा हूँ, अच्छे से आराम कर लेता हूँ क्योंकि कल फिर से टॉम से मिलने जाना है ना। ओ ये क्या है, एक मिनट। हाँ ओ टॉम कॉल कर रहे। hey, 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 मैं बस स्टॉप तक चल कर जा रहा हूँ। ठीक है तो तब तक बातें करते हैं। मैं उसी पे आ रही थी। तुम विश्वास करोगे अगर मैं कहूँ कि आज तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हो, एक ऐसी मिस्ट्री जो तुम्हें हिस्ट्री और केमिस्ट्री सब भुला देगी। क्या बात है। ओके आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट चीज दिखाने वाली हूँ।
ये देखो, ये मेरी कई रातों की मेहनत का नतीजा है। क्या है ये क्या है? यही है असली सवाल। अब सुनो वो मिस्ट्री क्या है। इस जंगल में एक अनजान क्रीचर है जो यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। मैंने बहुत मेहनत की है और आज की रात वो मेरे कब्जे में होगा। वो